काँग्रेसच्या अकोला जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते व खारपान पट्टा आंदोलनाचे प्रमुख प्रवर्तक डॉक्टर पुरुषोत्तम दातकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या व्यासपीठावर येऊन मनोगत व्यक्त केल्याने काँग्रेसच्या गोठ्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. भाजपा आणि काँग्रेस या पक्षाचे उमेदवार संघाच्या विचारधारेशी जुडलेले आहेत, त्यामुळे सर्वांनी बहुजनाचा आधारस्तंभ ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे असे आवाहन डॉक्टर दातकर यांनी केले. ते म्हणाले की मी काँग्रेस पक्षाचा पदाधिकारी आहे, मात्र मला माझं मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भाजपामधून आलेल्या लोकांच्या हातात काँग्रेस पक्ष गेला, त्यामुळे ते वरून काँग्रेसचे जरी दिसत असले तरी ते आतून भारतीय जनता पार्टीचा छुप्या पद्धतीने प्रचार करीत आहे, म्हणून नागरिकांनी सावध राहावे असे आवाहन त्यांनी केले. डॉक्टर दातकर पुढे म्हणाले की मी काँग्रेसमध्ये आहे आणि काँग्रेसमध्येच राहील. मी माझे मत व्यक्त केले आणि यापुढे सुद्धा मी करीत राहील. काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष हा भाजपाच्या दावणीला बांधलेला आहे, याचा राहुल गांधींनी विचार करावा असे सूचक विधान त्यांनी यावेळी केले. और इस आघाड़ी में बिगाड़ी करने वाले अगर सबसे अगर खलनायक की भूमिका अगर किसने निभाई है तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बजाई है. और ये नाना पटोले ये कांग्रेस ही नहीं है, ये भाजपा ही है. भाजपा वालों ने उसको कांग्रेस में भेजा और जो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने वाली है वो आघाड़ी कैसी नहीं बने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है. जो यहां से उम्मीदवार दिया गया है उसकी पार्श्वभूमि अगर हम देखते हैं तो उनके पिताजी विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांताध्यक्ष थे और जो अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया वो खुद भी अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर उन्होंने अपनी भूमिका बार बार दोहराई है और बताया है कि मैं आरएसएस का हूं. और कुछ दिन पहले की बात है, स्वराज्य भवन में जब पार्टी की मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, उस मीटिंग में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो अपशब्द कहे वो हम कह भी नहीं सकते हैं. जिस पार्टी में आप चार साल पहले आए हो किसी मकसद के साथ आए हो उस पार्टी की विचारधारा को लेकर आप आए नहीं हैं, तो कोई मकसद हत्याने के लिए आए हो. तो आप कहते हो पार्टी के मीटिंग के अंदर कि भोग में गई कांग्रेस पार्टी और उस मीटिंग में से निकलने के बाद आप कहते हो आप बंदूक निकालते हो. मुझे ये बताओ जो पार्टी के प्रति ये भावना रखता है अभी चुनाव प्रचार होने के बाद उन्होंने बताया कि वो सब बातें मेरा भूतकाल था, आरएसएस का मैं था, विश्व हिंदू परिषद का था, लेकिन अभी मैं कांग्रेस हूं, मैं वो सब बातें भूल गया हूं. इंसान अगर कितनी भी भूलने की कोशिश करे अपने अतीत को भूल नहीं सकता. और वही उन्होंने कुछ महीने पहले अकोला जिले के पार्टी की मीटिंग के अंदर स्वराज्य भवन के अंदर दिखाया है. ताजा बातम्या आणि घडामोडी बघण्यासाठी महाराष्ट्र मेल या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब नक्कीच करा.